नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज ये एक नया लेंस है जिसको सॉरी नया फ़ोटो है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो ये जो फ़ोटो है, ये सारे जो भी फ़ोटोज़ है, ये अपना जो M10N का 48mm मैक्रो लेंस है, इससे लिया गया है। ठीक है, ये सैंपल यहाँ पे शायद दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। नहीं, यहाँ पे था, हाँ हाँ है, ये ऐसा एक सैंपल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। तो ये सारे जेन्युइन शॉट्स हैं, हमने कुछ लिए हैं, अपने जो भी यूज़र्स हैं उन्होंने लिया है। ये आप यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो कस्टमर लोगों का जिन्होंने लिया है। यहाँ पे वेरीफाइड बायर है, मतलब इन लोगों ने वेबसाइट से ख़रीदा है। ठीक है, और जिनके पास ये वेरीफाइड नहीं लिखा, ये लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह से ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हो डायरेक्टली कस्टमर का फीडबैक क्या क्या है। ठीक है, अभी आते हैं डायरेक्टली इस पे। तो इसको डायरेक्ट हम भेजेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट भेजेंगे व्हाट्सएप स्नैपसीड पे। तो आप देख सकते हो फ्रेम लगभग ठीक ठाक ही है, तो कुछ कुछ जगह पे आपको ये मिल जाएगा इशू। तो ये देख लो आप, एक कोने पे बैकग्राउंड पे जो है, तो मैं पहले क्या करूँगा, एज़ यूजुअल क्रॉप पे जाऊंगा। क्रॉप पे जाने के बाद फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप करूंगा अपने मर्ज़ी के हिसाब से। मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, अभी देख सकते हो आप ऐसा है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ही छोटा है इस पूरे फ्रेम के हिसाब से। तो मैं साइड कर देता हूँ, इसको लेता हूँ, इतना काफ़ी है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, ये ऊपर ज़्यादा जगह हो गया, नीचे थोड़ा कम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसको फिर से जाके एडिट पे जाके थोड़ा सा जगह और ले लूँगा मैं यहाँ पे, नहीं ले सकता हूँ, फिर से जाता हूँ क्रॉप पे, क्रॉप पे जाके थोड़ा सा जगह नीचे भी ले लेता हूँ ताकि मेरा जो फ्रेम है वो दिखने में अच्छा लगे। तो ऐसे में कर दिया, अभी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। अभी करते हैं कुछ रोटेशन वगैरह अगर पॉसिबल है, यही ठीक दिख रहा है, यही रहने दो, थोड़ा एलियन एलियन लग रहा है वो। अभी हम ट्यून पे जाएंगे, एम्बियंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एम्बियंस थोड़ा सा सेचुरेशन लेंगे, शेडोज़ वगैरह, शेडोज़ ज़्यादा करेंगे हाई तो ए होगा, कम करेंगे तो ये होगा। तो थोड़ा सा शेडोज को रख देते हैं यहाँ पे, अभी ज़रूरत नहीं है, आते हैं बाद में। हाइलाइट्स देख लेते हैं, हाइलाइट्स और शेडोज पे बाद में खेलेंगे, ये हो गया अपना काम। अभी फिर से आते हैं ट्यून पे, आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो जो शेडोज़ हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया। अभी जाएंगे राइट पे, फिर सेम प्रोसेस, व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे, ट्यून पे क्लिक करेंगे, बीच वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे अपना सिर्फ इस पे ही, ये ए वाला ऑप्शन, मतलब ए वाले पार्ट पे हम बग पे ये फोकस करेंगे ताकि ये सिर्फ शेडो में दिखे, मतलब ज़्यादा इसका जो चीज़ है वो जो हिडन था, मतलब क्वालिटी पे नहीं आया था, वो सामने आ जाए। अभी आप देख सकते हो इस जगह पे हाईलाइट, मतलब लाइट एरिया ज़्यादा है, इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। एक्सपोज़र डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस पे ले जाएंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका घटा देंगे, इस दोनों का। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, शेडोस पे देने से पहले ऐसा था, शेडोस मैंने हाई किया और एडिट किया तो कैसा हो गया। ये जो पार्ट आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये अभी विजिबल है, मतलब देख लो, मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो। ठीक है, तो अभी इस पे काम करेंगे, जस्ट आएंगे हम कहाँ पे, हाईलाइट्स पे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा हाई है तो आप सॉरी ये जगह देख सकते हो और ये जगह देख सकते हो। अभी इसको घटाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, मैंने इतना सही रहेगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, यही चाहिए सिर्फ। इसको हम क्या करेंगे, ये जो नीचे आप देख सकते हो राइट है, यहाँ पर राइट कर देंगे। तो राइट करने के बाद ये नॉर्मल हो गया, हम फिर से ये ऊपर क्लिक करके जो बीच में ऊपर है इस पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे, फिर ट्यून पे क्लिक करेंगे।
फिर आके इस पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, हाँ ये नॉर्मल सी है, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको देखो आप कैसे हाईलाइट कम हो रहा है। तो जिस जिस जगह पे हाईलाइट आपका ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा होता है, आप वहाँ से इसको ऐसे कम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो हाईलाइट नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ वही, ठीक ठीक है, देख सकते हो पहले ऐसा था, ये दोनों जगह आप देख लो, अभी देख लो ये तो यही है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे डिटेल्स बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने के लिए जो अपना डिटेल्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पहले शार्पनिंग, शार्पनिंग से क्या होता है अब देख लो, ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर पे नहीं खेलेंगे, सिर्फ शार्पनिंग पे खेलेंगे। तो यहाँ पर डन करते हैं, सेम प्रोसेस व्यू एडिट्स पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, बीच का क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, तो ये पूरा आप देख सकते हो नॉर्मल से ज़्यादा ये निखरेगा, मतलब डिटेल पे रहेगा। तो ऐसा था पहले ब्लरी, अब ऐसा हो चुका है। तो ऐसे आप मैक्रो फोटोज़ इजीली एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, अगर वार्म्थ वगैरह चाहिए है तो मैं बढ़ाऊँगा, नहीं अभी ये भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। डन, अभी ऐसे अपना जो भी है लेंस ब्लर दूंगा कि नहीं दूंगा एक बार देख लेते हैं। नहीं, लेंस ब्लर नहीं दूंगा, नहीं चाहिए, नॉर्मल सा बस। ये फ़ोटो अपना अभी फाइनल हो चुका है, ऐसा देख लो, ऐसा देख लो। थैंक यू।